हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहैल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। दोस्तों, नीलामी से पहले हार्दिक पांड्या को लगे दो बड़े झटके। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या से दो बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो दोस्तों इसी के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें हार्दिक पांड्या का, तो दोस्तों हार्दिक पांड्या जो कि एक शानदार ऑलराउंडर है और यह कई वर्षों से हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन मुंबई इंडियंस ने इस वर्ष इन्हें रिलीज कर दिया है। ऐसे में नीलामी से पहले हार्दिक पांड्या के लिए दो बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर की बात करें तो दोस्तों वह जुड़ा हुआ है मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए बेहद बुरी खबर है, क्योंकि अब लगभग कंफर्म हो चुका है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या अहमदाबाद की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं IPL 2022 में, यह लगभग कंफर्म है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ अनाउंस करने का बाकी है। वही दोस्तों दूसरी बैड न्यूज का बात करें तो दोस्तों वह जुड़ा हुआ है हार्दिक पांड्या से। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या का उम्मीद था कि अहमदाबाद की टीम उन्हें कप्तान बनाएगी IPL 2022 के लिए, लेकिन अब दोस्तों खबर आ रहा है कि अहमदाबाद IPL 2022 के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने वाली है और हार्दिक पांड्या नहीं होंगे अहमदाबाद के कप्तान, जो कि हार्दिक पांड्या फैंस और हार्दिक पांड्या के लिए बेहद ही बुरी खबर है। तो दोस्तों ये दो बड़ी खबर जो कि हार्दिक पांड्या के लिए निकल के आ रही थी मेगा ऑक्शन से पहले। तो दोस्तों ये खबर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों ये खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।